हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियोस वर्ल्ड की ई टैब 2015 ट्यूटोरियल सीरीज में। यह है आपका डे 4, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ई टैब ऑन करने के बाद इस न्यू फाइल पे कहते हैं, न्यू मॉडल पे क्लिक किया हमने। उसके बाद सबसे पहले हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैन्युअली हमने यूनिट सेलेक्ट कर लिया, SI, इंडियन कोड, स्टील कोड एंड कंक्रीट कोड, देन ओके। डे 1 और 2 एंड 3 में हम बात कर चुके हैं इस बॉक्स की, ग्रिड डायमेंशंस की, स्टोरेज डायमेंशन की एंड ऐड स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स। ऐड स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स में कुछ चीज़ें रह गई थी जिसकी हम बाद में बात करेंगे, जब हम कुछ चीज़ें, कुछ टूल्स जिन्हें हम नहीं जानते थे उनको हम जान लेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल में सीखेंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो ई टैब 2015 की सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम डिटेल में जाएंगे एक एक चीज़ के बारे में, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। ई टैब के बाद सिविल इंजीनियरिंग के और सॉफ्टवेयर्स हैं, फिर उनकी सीरीज़ आएगी। तो आपको, अगर आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा किसी भी प्रोजेक्ट का क्या होता है कि हमें सबसे पहले डिसाइड करनी होती है यूनिट्स, जो हम कर चुके हैं यूनिट्स, और मैं आपको बता भी चुका हूँ। यूनिट्स के बाद हमें सेलेक्ट करना होता है अपना ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न होता है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे प्रोजेक्ट प्लान्स के अकॉर्डिंग और स्टोरेज हाइट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, एक प्लान है। देखिए, ये एक बिल्डिंग का प्लान है। ई टाइम में प्लान हमारा एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में होता है, और ये कुछ इस तरह का एंगल टाइप का हमारा प्लान है। ये 4 मीटर डायमेंशन है, 5 मीटर है, यहाँ 6 मीटर। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ग्रिड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो हमें कौन सा ग्रिड चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं इसकी ग्रिड, ग्रिड क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस। देखिए, मैं इसकी एक ग्रिड लाइन बनाता, ग्रिड बनाता हूँ। देखिए, एक ग्रिड ऐसे बनेगी इसकी, एक ग्रिड ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी ग्रिड लाइन, और अदर कलर की ले लेते हैं, एक ग्रिड लाइन ऐसे, एक ग्रिड लाइन ऐसे और एक ग्रिड लाइन ऐसे। जब हम इस स्ट्रक्चर को, इस प्लान को बनाने के लिए ग्रिड लाइन बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ भी ना कॉलम है ना बीम है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, ड्रॉ केवल यहाँ पे करेंगे। लेकिन हमारे ग्रिड की डायमेंशंस ऐसे होनी चाहिए, स्पैन 4, 5, स्पैन 6, स्पैन, और ये वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में। तो देखिए, जेड डायरेक्शन में नंबर ऑफ लाइन कितनी है? 1, सॉरी एक्स डायरेक्शन है ये आपका, ये एक्स डायरेक्शन होगा, सॉरी वाई जेड में तो आपका स्टोरेज हाइट होता है। एक्स डायरेक्शन में आपके कितनी लाइंस है? 1, 2, 3, और वाई डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3, बट स्पेसिंग हमारी डिफरेंट है। तो इसको अंडो कर लेते हैं थोड़ा, प्लान को देखने के लिए। ठीक है, ये हमारा प्लान है। अब चलते हैं हम ई टैब में। तो देखिए, हमें नॉन यूनिफॉर्म ग्रिड चाहिए, तो हमने इस पर किया कस्टम ग्रिड पे, और यहाँ पे आ गए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन की। तो हम प्लान में देखेंगे, एक्स डायरेक्शन में हमारा 4 मीटर और 5 मीटर के 2 स्पैन हैं, और नंबर ऑफ लाइन कितनी है? 1, 2, 3, 2 स्पैन 3 लाइंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी लाइंस होंगी उनसे एक माइनस कर दीजिए, उतने स्पैन होते हैं आपके। ओके, फर्स्ट स्पैन हमारा 0 पे है, फर्स्ट लाइन, ये देखिए फर्स्ट लाइन 0 पे है। सेकेंड लाइन हमारी 4 मीटर पे है, मैंने यहाँ 4 पुट कर दिया, और जो थर्ड लाइन है हमारी ये 4 पे है, और ये 4 प्लस 5, ये हो गया टोटल 9। तो स्पैन की लेंथ 9 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 9। और जो हमारा इसके बाद, तो 9 के बाद कोई है ही नहीं लाइन, तो इसको डिलीट कर देंगे। इसी तरह वाई में देखते हैं, वाई में है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होगा 0, 6, 10, ये 4 है हमारा, तो 6 प्लस 4 10, तो 0, 6, 10, 0, 6, 10, और ये लास्ट वाले को हम डिलीट कर देंगे इस तरह से।
मान लीजिए हमारा बहुत बड़ा प्लान है और उसे बहुत सारे डायमेंशन हैं, पॉइंट में डायमेंशन है, तब हम क्या इनको ऐड करते जाएंगे? नहीं, उसका भी एक तरीका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड डाटा स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। अब केवल हमें स्पेसिंग डालने की ज़रूरत है। तो देखिए, फर्स्ट हमारी 4 एंड 5, सिंपल 4 एंड 5 डाला, और लास्ट हमारी 0 होगी। इस तरह वाई में हमारी है 6, 4 और लास्ट में 0। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब हम डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज कोऑर्डिनेट करते हैं तो हमारा फर्स्ट लाइन की कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, और जब हम डिस्प्ले स्पेसिंग करते हैं तो लास्ट लाइन का हमारा 0 होगा। नंबर ऑफ लाइन 3 स्पेन 2 4 5 0, दैट नंबर ऑफ लाइन 3 स्पेन 6 4 0। ओके, वही बबल का साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, कलर हम ग्रिड का थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके, इसको ओके कर देते हैं। ये तो हो गई हमारी ग्रिड। अब नंबर ऑफ स्टोर है डिफॉल्ट, बाद में बात करेंगे। डिफॉल्ट है 4 स्टोर है, ईच स्टोर है 3 मीटर हाइट। ओके कर देते हैं। देखिए, हमारी ये दो विंडो हैं, प्लान है और ये हमारा 3D व्यू है। तो कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, यूनिट सेलेक्ट करना, और सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, प्लान के अकॉर्डिंग और स्टोरी हाइट के अकॉर्डिंग आपको ग्रिड डिसाइड करनी है। थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, थर्ड स्टेप है हमारा, सबसे पहले हमें मटेरियल डिसाइड करना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस मटेरियल का बनेगा। तो हमने क्या किया, हम गए यहाँ पे डिफाइन मटेरियल, ये पहले से कुछ मटेरियल से हम एक नया न्यू मटेरियल बनाते हैं, ऐड न्यू मटेरियल। और यहाँ पे डिफॉल्ट है हम इंडियन ले लेते हैं, इंडियन स्टील नहीं है, हमें कंक्रीट बनाना है, और इंडियन है और कौन से ग्रेड का बनाना है, M520 ले लेते हैं। ओके कर देते हैं। उसके बाद अब M20 की जो प्रॉपर्टीज हैं डिफॉल्ट वो आएंगी, अगर आपको स्पेशली कुछ चेक करनी है, चेंज करनी है तो आएंगे। थोड़ी सी एक बार इसका रिव्यू ले लेते हैं एक बार, और फिर बताता हूँ। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम एक एक चीज की डिटेल में जाएंगे, हो सकता है इस वीडियो में ना जाए, जो रह जाएगा पार्ट वो अगली वीडियो में जाए, पर जाएंगे डिटेल में। जैसे कि अब इसमें हम जाते हैं, हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है यूनिट सिलेक्ट, देन हमने ग्रिड बनाई, उसके बाद मटेरियल डिफाइन। मटेरियल डिफाइन में हमने इंडियन M20 सेट किया, जैसे ओके किया तो M20 का डाटा आ गया। हम अपने अकॉर्डिंग हम M20 को चेंज कर सकते हैं। तो ये M20 का आपका डाटा है। तो सबसे पहले टाइटल M20, टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे टाइप कंक्रीट है हमारा, ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, ये कलर है मटेरियल। जब हम मटेरियल को डिफाइन कर देंगे, अगर हम अपने स्ट्रक्चर को कलर वाइज भी देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा मटेरियल अकॉर्डिंग टू मटेरियल कलर दिखे, जैसे तो अगर मैंने कंक्रीट का दिया हुआ है तो पिंक कलर का दिखाई देगा। क्रॉस सेक्शन के लिए अलग होता है, हर चीज का अलग कलर होता है। तो अकॉर्डिंग टू किस कलर के आप अपना स्ट्रक्चर को देखना चाहते हो वो आप देख सकते हैं। यहाँ चेंज भी कर सकते हैं कलर। यहाँ पे कोई नोट्स लगाना हो, कुछ लिखना हो उसके बारे में, कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन वो कर सकते हो। यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम जैसे हम 25 लेते हैं तो 25 कर देते हैं, और जो भी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये डिजाइन प्रॉपर्टी है, ये जो टैब देख रहे हो आप डिजाइन प्रॉपर्टी का, ये हम आगे जाके चेक करेंगे। इसमें हमें डिजाइन बीम करना है, कॉलम करना है, कितना रिइंफोर्समेंट का क्लियर कवर देना है, क्या ग्रेड यूज करना है, वो सब डाटा इसके अंदर है, जो आगे डिजाइन, जब हम डिजाइन की वीडियोस बनाएंगे तब उसमें हम इस डाटा को क्लियर करेंगे। उसके बाद ये नॉन लीनियर एनालिसिस जब हम करेंगे तब यहाँ बात करेंगे, टाइम डिपेंडेंट, टाइम हिस्ट्री, इन सब के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। डैम्पिंग प्रॉपर्टी, जब सिज्मिक एनालिसिस और जो एडवांस लेवल पे हम जब पहुंचेंगे तब हम इन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मैं अभी इनको छोड़ रहा हूँ, उसको लेने में इनको कराऊंगा नहीं, मैं इनको जरूर कराऊंगा लेकिन जब इनका टाइम आएगा, अभी इनका टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये डिजाइन लेटर और ये नॉन लीनियर सिज्मिक हम बाद में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो डाटा है हमने, ये बेसिक बेसिक ये हमने डाटा चेंज कर लिया और ओके कर दिया। तो यहाँ के देखिए लिस्ट में M20 आ गया है। अगर मेरा कॉलम बीम या अलग अलग ग्रेड एक बिल्डिंग में यूज हो रहे हैं तो कितने भी आप ऐड न्यू करके ग्रेड बना सकते हैं, लिस्ट में आते जाएंगे। ओके कर दिया। अब मटेरियल बना लिया, अब सेकेंड स्टेप बीम कॉलम, जो भी एलिमेंट्स हैं आपके, स्लैब बीम कॉलम स्टेयर, जो भी एलिमेंट्स है वॉल है, सबसे पहले आपको उनको डिफाइन करना होगा। तो आज इस वीडियो में केवल हम बीम और कॉलम की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बीम बनाता हूँ एक, तो डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टी, बहुत सारे सेक्शन है इसमें, बीम और कॉलम को यहाँ पर फ्रेम सेक्शन कहा जाता है, तो फ्रेम सेक्शन पे क्लिक किया मैंने।
और यहाँ पर भी पहले से बहुत सारे सेक्शन है, मैंने एक ऐड न्यू किया। शेप्स आ गई, देखिए कितनी सारी शेप्स हैं ये टाइप में। कंपोजिट मटेरियल भी टाइप की, ये एडवांस स्टेज है कि इसमें कंपोजिट मटेरियल भी आता है, ऑटो सेलेक्ट भी आता है। जब हम स्टील डिजाइन करते हैं तो ऑटोमेटिक आइस कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्टिमम स्टील है, ऑप्टिमम सेक्शन है, वो सिलेक्ट कर लेता है। फिलहाल हम कंक्रीट की बात करते हैं, हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ टाइटल डाला मैंने बीम, और बीम का जो मैं साइज ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं 300 विड्थ बाय 450 डेप्थ। ये केवल टाइटल है, बीच में मैंने मल्टीप्लाई ने एक्स लगाया, ठीक है। और यहाँ पे है अब हमारा मटेरियल कौन सा सिलेक्ट करना है, जो हमने मटेरियल डिफाइन किया था M20 और अब यहाँ पे आ चुका है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सेम एज मैंने आपको कहा था कि हम अपने बिल्डिंग को कलर वाइज देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम कंक्रीट के मटेरियल कलर वाइज देखें तो पिंक दिखाई देगा, लेकिन अगर हम सेक्शन का दिखाई देंगे तो ब्लू दिखाई देगा, या अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। सेक्शन की शेप क्या, रेक्टेंगल, और यहाँ पे हमने डाल देते हैं डेप्थ हमने 450 ली है और विड्थ ली है हमने 300। नेक्स्ट ये दो टैब्स आते हैं, ये जो आपका प्रॉपर्टी मॉडिफायर का, इसके बारे में आगे बताऊंगा। जैसे कि ई टैब हमारा सेल्फ वेट जो होता है बिल्डिंग का ऑटोमेटिक अपने आप लेता है जो है एक्चुअल में वेट है, लेकिन अगर हम उसकी प्रॉपर्टी मॉडिफाई करना चाहते हैं, सेल्फ वेट रिड्यूस है, कम या जीरो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर हम इस बीम के अंदर जो रिइंफोर्समेंट आएगा, डिजाइन रिइंफोर्समेंट, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, और कुछ सेक्शंस की प्रॉपर्टी डिफाइन करें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये सब आगे एडवांस वीडियोज में आएगा, फिलहाल अभी इसे यहीं छोड़ते हैं और इसे ओके करते हैं। ओके करते देखिए यहाँ पे आपका एक बीम का ऑप्शन आ गया। इसी तरह एक कॉलम डिफाइन कर लेते हैं, रेक्टेंगल कॉलम, यहाँ टाइटल में सी ओ एल यू एम कॉलम, कॉलम ले लेते हैं 450 बाय 450। M20 कॉलम का कलर अलग है, देखिए अगर हम सेक्शन वाइज देखेंगे तो बीम का कलर ब्लू आएगा, कॉलम का ऐसा ई कलर आएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं डायमेंशन 450 बाय 450। यहाँ पे शेप दी हुई है सेम, यस यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी मॉडिफायर, जैसे कि डेंसिटी, वेट, ये सब चीज़ें आपको चेंज करनी हो, स्टिफनेस चेंज करनी हो। यहाँ पर रेनफोर्समेंट कॉलम में जो लगेगा उसकी प्रॉपर्टी, यहाँ सेक्शन की और डिटेल है प्रॉपर्टी, सबकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम करते हैं ओके। देखिए आपका यहाँ पर बीम भी आ गया, यहाँ पे आपका कॉलम भी आ गया, हमने ओके कर दिया। फर्स्ट स्टेप यूनिट, सेकंड स्टेप ग्रिड डिफाइन किया, थर्ड स्टेप मटेरियल डिफाइन किया, फोर्थ स्टेप हमने क्या किया, सेक्शन डिफाइन किए, बीम का अलग, कॉलम का अलग। नाउ अब हम अप्लाई करेंगे बीम कॉलम। उससे पहले एक बात देखिए, ये आपका प्लान है और ये आपका 3D व्यू है। जब मैं प्लान के ऊपर कर्सर ले आता हूँ तो आप देख रहे हो 3D में एक ग्रीन कलर की एक प्लेन दिखाई दे रहा है टॉप पे, क्योंकि हमारा जो मेरा जो कर्सर है वो प्लान के टॉप व्यू पे है, टॉप फ्लोर पे है। यहाँ पे एरो देख रहे हो, इस एरो से अगर मैं एक क्लिक करता हूँ डाउन पे तो एक फ्लोर नीचे चला जाएगा। अब ये जो हमारा है ये थर्ड फ्लोर है, एक और नीचे गया ये सेकेंड फ्लोर है, एक और नीचे गया ये फर्स्ट फ्लोर है, और एक और नीचे गया ये आपका बेस है, ठीक है। तो हम टॉप पे जाते हैं, ये टॉप पे चले गए। देखिए अगर मैं कोई बीम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बीम बनाता हूँ, तो केवल टॉप पे बनेगा, बिकॉज हमारा यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे सिलेक्ट है 1 story, जो भी काम होगा 1 story पर होगा। अभी एक बार आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए सबसे पहले यहाँ आते हैं, ये जो आपका बीम है ये वाली लाइन जो, इससे बीम बनाते हैं। इस लाइन से क्या होता है, इस लाइन पे क्लिक करने के बाद हमने बीम बनाने के लिए इस पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हमने जो बीम की प्रॉपर्टी दी थी बीम 300 बाय 450 सेलेक्ट की, और सब चीज़ों के बारे में बाद में डिटेल करेंगे। अब यहाँ है प्लान पे, अब मैंने यहाँ पे जॉइंट पे क्लिक किया कॉर्नर पे, फिर ऐसे मूव कराया कर सको, फिर दूसरे जॉइंट पे क्लिक किया, ये देखिए एक बीम बन गया, केवल एक स्टोरी पे बना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल स्टोरी और तब एक बीम बनाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे तक सारे बीम बन गए, एक बीम, दो बीम, तीन बीम, समझ गए आप। ऑल स्टोरी से क्या होता है, सिंगल स्टोरी से, अभी हम ऑल स्टोरी पे काम करते हैं। तो इस लाइन से क्या होता है, इस लाइन पे क्लिक करने के बाद हमें हर जॉइंट टू जॉइंट क्लिक करना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम लग रहा था। अगर आप इसके नीचे वाली लाइन पे जाएंगे, इस पर एक रेड डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ड्रैग करके आप सिंपली बना सकते हो। देखिए मैंने सबसे पहले हमें यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने बीम डिसाइड किया है, और हमने ड्रैग किया, और मैं उन्हीं ग्रिड को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिस पे हमें बीम ड्रॉ करना है। इसी शेप का हमें अपना प्लान बनाना था। अब नीचे आता है हमारा एक कॉलम, सेम एज कॉलम में हमने कॉलम वाली प्रॉपर्टी ली और हमने ड्रैग कर दी, ये देखिए कॉलम भी बन गई।
अब देखिए हमारा जो माउस का कर्सर है वो कॉलम बनाने के लिए रेडी है। नॉर्मल कर्सर लेना तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, या फिर आप स्कैप बटन दबा दें, ये बन चुका है आपका मॉडल। कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो ग्रिड हाइड हो जाएगी, आपको केवल ये दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूं तो केवल 3D ऑप्शन, और कंट्रोल और डी से ग्रिड भी हाइड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे एलई प्लान पे जाऊंगा तो प्लान आ जाएगा, कौन सा स्टोरेज का प्लान चाहिए। अगर मैं एलिवेशन पे करूंगा तो एलिवेशन आ जाएगा। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए एलिवेशन पे क्लिक करूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, सब बाद में, प्लान पे ये आ जाएगा। अगर मैं ग्रिड ऑन करता हूँ तो ग्रिड से हमें स्टोरेज का नंबर भी आ जाएगा, 1 2 3 4। ओके प्लान पे चलते हैं, एक विंडो और लेते हैं 3D की। ओके ये आपका प्लान है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है, वो सॉरी फोर्थ ट्यूटोरियल है, से हमने बीम और कॉलम ड्रॉ किया। इसके बाद हम स्लैब, नेक्स्ट वीडियो में स्लैब सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में डालिए कि आपको और कौन से सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स चाहिए, और ई टैब में किस चीज़ के लिए स्पेशली आपको टोटल जो आपके प्रोजेक्ट्स आपके ऑफिस आपके काम में हेल्प कर सके। थैंक यू।